हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टमाटर की मीठी चटनी। इसे आप रोटी, पराठे, समोसे या पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। ये चटनी इतनी टेस्टी है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चार बड़े टमाटर जिसे कि मैंने काट लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, 3 बड़े चम्मच गुड़, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, 2 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें कलौंजी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर हल्का सा ही पका लेना है। तो ये देखिए, ये पक चुके हैं। तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैंने इसमें अच्छी तरह से पके हुए लाल टमाटरों का यूज किया है, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसमें आप अच्छी तरह से पके हुए टमाटर यूज करें, कच्चे टमाटर यूज ना करें। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, या जब तक कि टमाटर गल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, तो हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम लाल मिर्च और तेज पत्ते को साइड कर लेंगे और टमाटर को हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुका है। हमने टमाटर की चटनी में गुड़ और चीनी का यूज किया है, जिससे कि ये चटनी मीठी लगेगी, और नमक का भी यूज किया है, जिससे ये थोड़ी नमकीन भी लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार होगी। मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, चीनी डाल दिया है, 1 चम्मच किशमिश डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो ना डालें। आप चाहे तो इसमें थोड़े से काजू भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ और चीनी पिघलने लगा है और हमारी चटनी थोड़ी सी गीली होने लगी है। तो अब हम इसे ढक लेंगे और इसे ढककर हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सूख ना जाए। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी काफी सूख चुकी है, आप देख सकते हैं काफी ड्राई हो चुकी है। हमारी चटनी बनकर के तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।